पर आया सावधान महाराज संघपति दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो द्वारपाल। हमारे राज्य में किसी प्रकार का कोई अत्याचार तो नहीं? नहीं महाराज, आप आज या कल का पुरानी समाचार तो नहीं? जी नहीं, सभी सभी सुख में हैं। देव मंदिरों की पूजा की जा रही है, गौओं की रक्षा की जाती है, ब्राह्मणों का आदर किया जाता है। शाबाश मेरे राज के वफादार साथियों, तुम्हारी ही भलाई से मेरी भलाई है। शाबाश मेरे राज के वफादार साथियों, तुम्हारी ही भलाई से मेरी भलाई है। तुम्हारी ही वजह से मैंने न्याय की गद्दी पाई है। कोई हलकार आए, कोई खुशखबरी हम सुना मत। तुम्हारे लिए महीपाल शर्मा जी का दूसरा रूप मिलेगा देखने को आज को नन्नू के चेहरे पे। अरे भाई कौन हो तुम? और तुम कौन हो? हम तो चौकीदार हैं। चोंच मार है। आई आई, ये चोंच मार क्या कर रहा है? अबे चोंच मार नहीं। अरे अबे, अबे कोई गिद्ध समझ रहा है? क्या समझ रहा है भाई? हम गिद्ध नहीं है तो और चोंच मार कैसे है फिर तू? चोंच मार नहीं, तुम समझे नहीं, हम द्वारपाल हैं। बड़ी मुश्किल से मैं यहां तक आया। ये द्वार पे काल खड़ा हुआ है। किसका काल बन के आया भैया? अबे काल नहीं, समझ नहीं रहा बात के लिए। अरे ओ, मैं समझ गया, तू गुंडा स्वामी का ब्रिगेडियर आया है। सूर्य देव। अबे ब्रिगेडियर सुन, मैं इधर की बात उधर कह देता हूँ। हाँ, इधर की बात उधर कह देता है। हाँ, उधर की सुन के इधर कहना पड़ता है। लल्लू के फटफटे एक घंटे से दिमाग का दही बना रहा है कि मैं चोंच मार हूँ, कि मैं द्वार पे काल हूँ। सीधा क्यों नहीं कहता कि मैं पक्का चुगलखोर? अबे मंत्री, अरे मंत्री मंत्री से जाकर के हम खबर सुनाते हैं। ये खबर, ये काम चुगलों की होती है कि इधर की सुन के उधर कह दी, उधर की सुन के इधर कह दी। ऐसा है, मैं इधर की बात मंत्री से कहूंगा, मंत्री राजा से कहेगा, राजा मुझसे कहेगा, मैं तुमसे। तू बीच में ही रहता है? हाँ। अच्छा, तो भाई साहब एक बात, ये सियालकोट ही है ना? हाँ हाँ सियालकोट है। यार एक बात समझ में नहीं आई आपके यहाँ पे। हाँ बताओ। हमारे यहाँ तो रमजान चल रहा है, फिर भी रमजानों के महीने में तुम्हारे यहाँ मुहर्रम कैसे निकल रहे? कैसे मतलब? मुहर्रम ना निकल रहे? नहीं तो? तो फिर ये ताजिया कैसा रखा हुआ? अबे अबे बेवकूफ, इनको प्रणाम कर, यही तो है राजा। ये यहाँ के महाराज है। मैंने समझा यहाँ मुहर्रम निकल रहे, ये ताजिया रख दिया किसी ने लाकर। जाकर के भैया कह दो कि एक डाकिया आया हुआ है। ठीक है, जल्दी जाओ महाराज की जाओ। महाराज बड़ी दूर से एक डाकिया आया है, एक खबर लाने वाला, वह आपसे मिलना चाहता है, क्या अनुमति है? मतलब कोई हलकारा है? जी हाँ, उसे हमारे साथ आदर सहित से पेश करो, इज्जत के साथ। ठीक है, चलो भाई आओ। बुलाया है? हाँ, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर। झूला भी है? जंपिंग झूला है, जो जंपिंग झूला बड़ी चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन झूल नहीं पा रहे। नहीं झूलेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे झूलेंगे कि तुम सुबह को गैस वेल्डिंग ही देखते फिरोगे। महाराज, महाराज के जीवन की जय जय। चिरंजीव रहो। क्या बे परिणाम कहना नहीं आता तुझे? क्या कह रहा है? जय जयकार हो। जय जयकार, शाबाश। कहां से आया है? जहां से दुनिया आई है। ए भाई, सोंड को कब्जे में रखो अपने।
इसका चरित्र खराब मालूम पड़ रहा है मुझे तुम्हारे। अरे हंसने की बात नहीं है यार, मुझे देख के सीटी मार रहे आई है। माना मैं खूबसूरत हूं लेकिन इतना भी बड़ा नहीं जो कि तुम्हारा सोंड तक सीटी मारे मुझे देख के। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जहां से दुनिया आई है यहाँ किस लिए आया है, ये पूछिए ना। इस समय कहाँ से आ रहा हूँ? इस समय हम कुसुम नगर से आ रहे हैं। अच्छा, कुसुम नगर से आए हो? ये खत लेकर के आया हूँ। अच्छा, खत हमारे यहाँ की परंपरा है। क्या नेम है? क्या नेम है? जो खत लेके आता है वही इसको बाजकर सुनाता है। इसे सुनाओ। जरूर सुनाएंगे साहब, जब लेकर के आए हैं और जब आपके यहाँ की ये परंपरा है तो वो तो निभानी पड़ेगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, खत लिखता हूँ, खताबार हूँ, मेरी बीवी भाग गई, मैं खुद बीमार। ये क्या मजूम है भाई? खत है ये? अबे कोई मिश्रा सुनाना है, खत सुनाना है कि मेरी बीवी भाग गई? ये नहीं है हमारा, ये हो ही नहीं सकता। दरअसल बात ये है महाराज, ये इधर से लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा, पढ़ के देखो। इधर से लिखा हुआ है, इधर से लिखा हुआ है, जिला जलंधर, डाकखाना घर के अंदर, माँ चोटी बाप बंदर। अबे ऐसा समझा? अबे खुद पिटेगा, मुझे भी पिटवाएगा। अबे सही तरीके से दूसरा खत देख ले कोई और। तो ये इधर से लिखा हुआ ही नहीं है यार, तो बेवकूफ क्यों बना रहा है? ऐसे लिखा हुआ है। हाँ तो अब के पढ़ के सुनो। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में चिरी गई हो तो मान, आगे सेवा राम लबेदम है। अबे श्रीमान होगा। दरअसल ये है, ये इधर से लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये इधर से लिखा हुआ ही कोई है? इसमें लिखा हुआ ही नहीं है ये। और ऐसे लिखा हुआ है। अरे पढ़ के तो सुना यार। तो इधर से जो लिखा हुआ है अपने आप पढ़ ले आप। पढ़ा लिखा नहीं है? क्यों, कौन कहता पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्यों LLB दूल्हे लगे कुएं में मिसल करके नीफे में घुसा पड़ा हूँ? आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं यार? बूढ़ी अम्मू मत रही है ना चुपी। लिखा हुआ है, श्री श्री 108 श्री श्री संकपत महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। बैठ जाए, मैं इनसे कह रहा हूँ, आपके मंत्री से। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इससे कह रहा हूँ कि तू बैठ जाए, यहाँ महाराज की और हमारी बातचीत चल रही है। आगे निवेदन इस प्रकार है कि ऊपर 80 फीट की ऊंचाई पे मीन टंगी हुई है, मछली शर्त 80 फीट की ऊंचाई पे मीन टंगी हुई है। शर्त यह है, नीचे कढ़ा में तेल रखा हुआ है। मैं यहाँ पर अपनी लड़की का स्वयंवर रचा रहा हूँ। जो भी राजा या राजकुमार नीचे तेल में मछली की परछाई देखकर ऊपर को निशाना लगाकर मछली को मारेगा, हम उसी के साथ में अपनी लड़की का पान ग्रहण संस्कार करेंगे। दस्तखत कुसुम नगर फूल चक्र महाराज। मतलब स्वयंवर का है? स्वयंवर का है। दिखाना मीन मरनी है तो कौन मारेगा? मीन तो महाराज से बड़ा बाणधारी मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ये मारेंगे? जी हाँ, ये मारेंगे जी हाँ। जब भी ये धनुष लेकर के और निशाना साथ दें तो समझ लो इनका अचूक निशाना है, ये मारेंगे। हाँ क्यों यार, मेरे दिमाग की हटा रहे हो, ये क्या मीन मार पाएंगे? ये वृंदावन की तो तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कह रहा हूँ, वृंदावन का नाम तुमने क्यों लिया? कोई हम साधु महात्मा है जो हम माला जपेंगे कि वृंदावन जाने वाले हैं? टीवी 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 किसको? नहीं भाई, टीवी का कारखाना है ना। अरे वो हमारे वहाँ कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखने नहीं जाओगे वहाँ पे? कहाँ? वृंदावन। ये क्या है ते बता पहले। 6-7 सीसी मिलेंगी एक साथ में तुम्हारे लिए। मुझे? हाँ अभी कोई जो होती ताकत की, मैं मीन मारने का बहुत स्पेंस रखता हूँ। बाधारी हूँ मैं। तुम क्या मारोगे? तुम खुद मरने को जा रही हो। शादी के पत्र लेके है? क्या कर रहा है? मरने को जा रहे? उनकी सांस सांस काम ना कर रही, पंखा उखड़ रहा है। बताओ आना सरकार, आओगे? आएंगे। अजी तुम क्या आओगे, तुम्हारी खबर ही आएगी। मतलब किस बात की? कि वो आ रहे हैं। शाबाश, मगर सुन, हम आएंगे वहां और मीन को मारेंगे हम जरूर जरूर मारेंगे, क्योंकि क्षत्रियों का समाज है और क्षत्रियों में क्षत्रिय का जाना बड़ा ही शोभा मान माना जाता है, इसलिए हम तुम्हारे नगर की शोभा बढ़ाने के लिए जरूर आएंगे और मीन को निशाना लगाएंगे। तुम मेहमान खाने में जाओ, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचाओ।
देखो तुम्हें मेहमान खाने में जाना पड़ेगा और ये झगड़ा निपटाओ कि भाई मैं पहले खाऊंगा और पहले मैं खाऊंगा। जाओ तुम्हारी यहाँ मेहमान खाए जाते हैं? हाँ तेरी, अबे मेहमान नहीं खाए जाते वहाँ पर। हैप्री हैप्री हैप्री, उधर भी लड़ाई हो रही है। ऐसा है तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हारी खातिरदारी होगी, बहुत बहुत पकवान रखे हुए हैं। मंत्री दरबार के कार्य को तुम संभालो। जी हाँ, ये बड़ी खुशी का विषय है। मैं भाइयों के लिए बता दूं, अगर चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, अगर ये उसे ये मालूम हो जाए कि मेरा विवाह होगा, शादी होगी, तो दुगनी एक ताकत जैसी आ जाती है और बड़ा आनंद में हो जाता है। तो राजा की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, खिजाब करा करके और नौजवान बन गए। तो बड़ी शान से बैलों के अंदर पहुंचे। आता साथी बन ठन के जी गए फौरन महलन को, सजावट देखी रानी इरादा सपर का बोली अम्बा दे। महाराज को सजा हुआ देख करके महारानी अचंभे में रह गई और पूछने लगी, महाराज की चुनमी दासी के प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो राजानी। आज के बातें आज तो आप अति प्रसन्न नजर आ रहे हैं रानी। आज बहुत खुशी का विषय है। पता है आज आप कैसी लग रही हो? कैसे लग रहा हूं? आज आप ऐसी लग रही हो जिस समय आप दूल्हा बनकर गए थे हमें ब्याहने के लिए। आपको बिल्कुल ऐसी लग रही हो आज।
वासी नरपति गई अपनी मंदी। कहाँ जा रहे हैं आप? पांचों हथियार बांध कर और ये बस धारण कर कर मैंने कहाँ की तैयारी की है? कहाँ की तैयारी की है आप? कहाँ की तैयारी की है बताओ। अरे तू समुनगर से प्राण पिए कोई ये समाज में एक मछली टांग दी गई है, जो भी राजा राजकुमार मछली की आपको मिलेगा वो कन्या उसी को बरमाला पहनाएगी। तो इसलिए मैं भी वहां जाने की तैयारी में हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। टांग मछली एक पैज करी है जो कोई मारे मीनू सी सांग जहां पे सुता तो इस खत को पढ़ने के बाद मुझे तो ये कह रही है ना कि मुझको दोबारा जवानी याद आ रही है। मेरे अंदर जो कामदेव है, जो ताकत है, वो जागृत हो रही है। अच्छा? मेरे ये मन कहता है कि मैं शादी करने के लिए जाऊं। खत पढ़ते ही जगा काम मेरे ये दिल बीच भरी है और के मानो मान मैं फूलन दे पाऊंगा। तुम्हें कायर कहा
शान को अब समझ गई तुम्हारी बात। सभी रायाओं में जाके बात यश कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। अब समझ गई तुम्हारी बात। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, अब बताओ होलकाबाद वालों तुम, इनकी उम्र है शादी करने की दूसरी, बताओ तुम बुढ़ापे में ज्यादा सटे आ रहे हैं कुछ महाराज, मुझ में को कमी है? ये आपकी उम्र शादी करने की नहीं है बल्कि उस परमात्मा का भजन करने की है। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, तुम उपदेश दे रही है, समझा रही है, चलो समझा। प्यारी प्री की प्यारी पति से जन्म लिया है, जो कि मुझे तू कमजोर बना रही है। और सुन, तेरी बात सुनकर मुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुनकर तेरी बात को? मुझे अचंभा हुआ विशेष, अरे छत्राणी
होकर हमें तू देती है उपदेश। शेर के लिए, शेर के लिए कहते हैं। शेर, शेर कभी बुड्ढा नहीं होता, इसी प्रकार से मर्द कभी बुड्ढा नहीं होता। बताती कार पंचानन को, अरे मैं किससे बूढ़ा, अरे मैं किससे बूढ़ा, भयो ठरक जी तू बजा रही है गाना। हराम जाती मुझे पैर कमजोर समझ रही है, इतनी कड़वी लग रही है मेरी बात है। बताती का पहचान को, अरे मैं किसा पूरे भयो ठग जी बजा रही है गालन। और हम कौन हैं? छत्री। छत्री, छत्रियों के क्या नाम होते हैं? कहते हैं त्रिया जोबन 40 बरस। त्रिया जोबन 40 बरस, पैर का जोबन 25 और मर्द का जोबन 60 वर्ष जो होती रहे चराई। मर्द का जोबन 60 वर्ष तक रहता है, समझिए नहीं इसलिए। और क्या मुझे कमजोर समझ रही है? जो कात को धारण दूना आ सुन सुनते तो बचन को, और खत पढ़ के मैं बैठ रहूं, दाद लग जाए मम छत्रा, दाद लग जाए मम छत्रा। हम एक शादी नहीं बल्कि अनेकों शादी कर सकते हैं। धर्म राजपूत छत्र के अनेकों ब्याह करते जा बचा जा स्वयं मैं सको दारू बसे। एक श्री कृष्ण भगवान ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनकी कितनी स्त्रियां थी, कितनी गोपिकाएं थी, तू बता सकती है? ये बता कितनी स्त्रियां थी श्री कृष्ण? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तुम्हें पता होगी, भैया से पूछ, इनको सबको मालूम होगी। श्री कृष्ण भगवान की गोपिकाएं स्त्रियां थी 16108। श्री कृष्ण भगवान की स्त्रियां कितनी? 16108। जब श्री कृष्ण भगवान 16108 विवाह कर सकते हैं तो क्या मैं दूसरा नहीं कर सकता? देख श्री कृष्ण भगवान ने परी कितनी त्रियां प्यारी,
जिनके प्रेम और इतिहास अब तक साथ मिलते और मैं समर में जाने के लिए तैयार हूं। हाँ, दूसरी लावे नारी परम सुत समस्तानी हाँ मैंने दिल पे ठानी करूंगा उजागर मई पालन में शाल को मानोगे नहीं तुम जल्दी दूल्हा बनना मना मत कर अच्छा साथ में आपकी शादी होगी वो एकदम नौजवान होगी तुम हो गए वो बुढ़े आप बुढ़े हुए वो नौजवानी आएगी आप बुढ़े हुए वो नौजवानी आएगी लजती पशु में सनाम में न पाएगी किसी बात की कमी नहीं है हमारे पास में एक बेटा भी है जिसका की नाम पूरनमल है आपको उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए सब तरह कर रखी ईश्वर ने मेहरबानी है सब तरह कर रखी ईश्वर ने मेहरबानी है मिसाले चंद एक फरसंद भी लसानी है सफेदी आ गई सब ढल चुकी दबानी है सफेदी आ गई सब ढल चुकी तो मैं दूल्हा बना दूं मैं ये सोच रहा हूं तो बुड्ढा कहना कब बंद करेगी अब की तूने बुड्ढा कहना तो तेरे मुंह में कर दूंगा ये तलवार मेरे मुंह में तलवार आ जाएगी हरामजादी बार 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 बुड्ढा बुड्ढा कह जा रही है चलो तो मैं दूल्हा बना दूं हाँ जल्दी दूल्हा बना मुझे जाए शर्म ना आवे रे बनो है जो तो हरी हरी बनो है जो तो पूरो बड़ी नारी जाए शर्म ना और हाथ पकड़ जा
जिस वक्त बारात जाती है, दूल्हे की विदाई होती है तो दूल्हे के साथ में सभी होती हैं, रिश्तेदारनी भी होती है, परिवार वाली भी होती है, दूल्हे की चाची ताई बुआ बहन होती है ना सब कुछ। लेकिन तुम्हारे पास में इस टाइम कोई भी ना है, तुम्हारी चाची ताई माँ बहन सब कुछ मैं ही हूँ, तुम्हारी विदाई और कदू में अपनी बरना तो मैं तो रथ में बैठा रही आई।